नमस्कार साथियों, तो हम लोग बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियाँ देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश चार बड़ी, सबसे बड़ी नदियाँ हैं मध्य प्रदेश में, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती। कौन कौन सी? नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी देश की पांचवी बड़ी नदी है, याद रखिए, देश की, भारत देश की पांचवी बड़ी नदी है नर्मदा। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंठक, अनूपपुर। याद रखिए, नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम होता है? इसका अमरकंठक, अनूपपुर से। और इसका समापन कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। तो दो बातें इसमें याद रखना है। सबसे पहले इसका निकलती है अमरकंठक से, अनूपपुर से, और समाप्त होती है खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में। टॉलमी ने नर्मदा को नामादोस दोस कहा था। नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या है? मैंकल सुता, सोमो देवी तथा रेवा। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है इसकी, नर्मदा की? तो 1312 किलोमीटर है। ठीक है, नर्मदा नदी की प्रदेश के 15 जिलों से गुजरती है नर्मदा नदी। याद रखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से गुजरती है नर्मदा नदी, जिनमें कौन कौन शामिल है? अनूपपुर, यहीं से निकलती है अमरकंटक से, याद रखिए, अनूपपुर से। फिर है मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। 15 जिलों हो गए। मध्य प्रदेश में भराव, इसका बहाव क्षेत्र कितना है? 1077 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी इसकी लंबाई है बहाव की? 1077 किलोमीटर। नर्मदा मैदानी भाग में जबलपुर के समीप प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है नर्मदा नदी की? कुंदी, शेर, हिरण, दुधी, हथनी, बंजर, शक्कर। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कुंदी, शेर, हिरण, दुधी, हथनी, बंजर, शक्कर। 22 नदियाँ बाएं से और 19 दाएं से, कुल 41 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं नर्मदा नदी की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों का क्रम सा देखें तो पश्चिम से पूर्व तो बनास मिलती है, चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बैतबा, कैन। परियोजनाओं की बात करें इस पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में बात करें तो रानी अवंतीबाई सागर वर्गीय परियोजना जबलपुर बिजोरा में है। नर्मदा नदी पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? रानी अवंतीबाई सागर वर्गीय परियोजना जबलपुर बिजोरा में। दूसरी है सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना कौन कौन से राज्य हैं इसमें शामिल? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। 29 बड़ी, 135 मध्यम, 3000 छोटी परियोजना निर्माणाधीन है नर्मदा नदी पर। इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना खंडवा पुनासा बांध है। अब दर्शनीय स्थलों की बात करें तो कपिलधारा, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा व भेड़ाघाट प्रपात बनाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे बसे शहरों की बात करें तो होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, खरगोन, ओकारेश्वर, खंडवा व बुधनी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नर्मदा एवं सोन नदी एक दूसरे के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी कितने राज्यों से गुजरती है? 3 से। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से। हरसूद के डूबने पर छनेरा नया गांव बसाया गया था। सिंगलू समिति नर्मदा विवाद से संबंधित है।
तो पूछा जा सकता है सिंगलू समिति किससे संबंधित है, तो याद रखिए नर्मदा विवाद से संबंधित, या ऐसा पूछा जा सकता है नर्मदा विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी, तो ये थी सिंगलू। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी, याद रखिए मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी। अब बात करते हैं हम लोग अगली नदी है चंबल नदी। महाभारत में वर्णित कि राजा रतिदेव ने इसे उद्गमित किया। चंबल नदी को प्राचीन काल में चरमावती या धर्मावती नाम से जाना जाता था। इसका उद्गम स्थल की बात करें चंबल नदी तो महू इंदौर, महू इंदौर, जानापाव पहाड़ी, और समापन इसका है इटावा में यमुना नदी। तो याद रखिए चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जानापाव पहाड़ी, महू इंदौर से, इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ क्या है, छिपरा, कालीसिंध, पार्वती, बनास। आगे बात करते हैं चंबल नदी उत्तर पूर्व की ओर बहाव है इसका, उत्तर पूर्व की ओर, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। नदी के जल द्वारा अवनालिका अपरदन से भिंड मुरैना की निकट गहरी खाइयां हैं। इसकी लंबाई चंबल की है 1040 किलोमीटर। राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध मंदसौर में है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जवाहर सागर कोटा राजस्थान में जल विद्युत केंद्र है। ठीक, आपको बता दें कौन कौन से बांध हैं, परियोजनाएं हैं चंबल नदी पर, तो सबसे प्रमुख है गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। इन तीन को याद रखिए, कौन सी, गांधी, राणा और जवाहर। पूछा जा सकता है कि चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ठीक है, आगे बात करते हैं चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी के किनारे बसे शहरों की बात करें तो रतलाम, शिवपुर, मुरैना है, रतलाम, शिवपुर, मुरैना। आगे बात करते हैं चंबल शिवपुर नहर से भिंड मुरैना ग्वालियर मंदसौर नीमच जिलों में सिंचाई होती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। जानापाव में परशुराम की पीठ बनाई गई है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग बेतवा नदी, वैतवती। रायसेन के कुमरा गांव से उत्तर में यमुना में मिलती है। तो याद रखिए इसका उद्गम कहां से होता है, रायसेन के कुमरा गांव से, और ये मिलती कहां है, उत्तर में यमुना में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिलती है यमुना नदी में। इसकी सहायक नदियां कौन सी है, धसान, बीना। यह है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा निर्धारित करती है। क्या देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, और इसकी लंबाई बेतवा नदी की कितनी लंबाई है, 480 किलोमीटर। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। इसके किनारे बसे शहरों की बात करें बेतवा नदी के, तो अशोकनगर, ओरछा, गुना, सांची, विदिशा, चाचड़। सहायक नदियों की बात करें तो धसान, बैस, बीना, जामिनी। परियोजना की बात करें तो माता टीला बांध किस नदी पर है, महारानी लक्ष्मीबाई सागर भी बोला जाता है, तो ये है याद रखना बेतवा नदी पर। भांडे नहर दतिया ग्वालियर भिंड लाभान्वित होते हैं, हलाली नहर से रायसेन विदिशा लाभान्वित होते हैं। तो याद रखिए माता टीला बांध किस नदी पर, बेतवा पर। अब बात करते हैं हम लोग सोन नदी के बारे में। सोन नदी सहायक नदियां कौन सी हैं, जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद। सोन नदी निकलती कहां से, उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक, अनूपपुर से। समापन कहां होता है, पटना के निकट गंगा में। याद रखिए सोन नदी निकलती है अमरकंटक से,
तो इसका समापन होता है पटना के निकट से। इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार में बहती है, तीन राज्यों में बहती है सोन नदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, UP, बिहार। इसकी परियोजनाओं की बात करें तो बाण सागर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार सागर की संयुक्त परियोजना है। प्रमुख बांध की बात करें तो देवलोद शहडोल में बनाया गया, इस पर सोनबर्ट बाणभट्ट सोन तट पर रहे हैं। नर्मदा व सोन की प्रेम कथा का उल्लेख है। सोन नदी को सुवर्ण या सोनभद्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी की बाढ़ अधिक विनाशकारी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग छिप्रा नदी के बारे में। छिप्रा, इसका उद्गम है इंदौर काकरी वर्डी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है छिप्रा नदी? इंदौर काकरी वर्डी पहाड़ी से। उज्जैन रतलाम मंदसौर में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। तो याद रखिए, निकलती है इंदौर काकड़ी बर्डी पहाड़ी से और मिलती है चंबल नदी में। ठीक है, ये उज्जैन रतलाम मंदसौर में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। उज्जैन नगर इसके किनारे बसा हुआ है। कई बार पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिए छिप्रा। खान व गंभीर सहायक नदियाँ हैं छिप्रा की। समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा छिप्रा उज्जैन में हुआ था। मालवा की गंगा छिप्रा को कहा जाता है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? छिप्रा नदी को। उसके बाद आती है हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी या सूर्यपुत्री बैतूल जिले के मुलताई से उद्गमित होकर नर्मदा के समांतर बहती हुई मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा निर्धारित करती हुई सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो याद रखना है, इसमें दो बातें हमेशा, कौन कौन सी, कि ये बैतूल के मुलताई से निकलती है और एक खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। इसके किनारे बसा नगर कौन सा है? बुरहानपुर व सूरत। इसकी सहायक नदियां क्या हैं? पूर्णा, बाघोड़, गिरना, बोरी, सिवा, काकरापार व उकाई परियोजना गुजरात में है। इस पर ताप्ती नदी ने भैंसदेही पठार पर बीड़ों का निर्माण किया है। नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर बहकर एस्चुरी बनाती हैं। कई बार पूछा जा चुका है कि नर्मदा ताप्ती क्या बनाती है, तो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती, याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अंगली नदी के बारे में। तवा नदी कौन सी है? तवा नदी ये पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है। कहाँ से? तवा नदी कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी महादेव पर्वत से। तो समापन होता है होशंगाबाद में नर्मदा नदी में। इसके किनारे बसे नवा नगर कौन है? पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर 1322 मीटर होशंगाबाद जिले में है। याद रखिए, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कहाँ? तवा नदी पर, होशंगाबाद जिले में। फिर है उसके बाद हमारी काली सिंध नदी। इसका देवास के बागली गाँव से निकलती है। काली सिंध कहाँ से निकलती है? देवास के बागली गांव से निकलकर साजापुर व राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में चंबल में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 150 किलोमीटर। इसके किनारे देवास व सोन कच्छ बसे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है हमारी केन। कटनी कैमूर से पन्ना बांदा जिला होती हुई यमुना में समाहित होती है। याद रखिए, कटनी के मुझसे निकलती है और एक यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी का प्राचीन नाम था सुक्तमती और दीड़ावती। फिर बात करते हैं हम लोग वैनगंगा के बारे में। कौन सी? वैनगंगा। वैनगंगा के बारे में, ये उद्गम होता है, निकलती है सिवनी परसवाड़ा पठार से। अपर वैनगंगा संजय परियोजना सिंचाई परियोजना से बालाघाट सिवनी जिले लाभान्वित होते हैं। याद रखिए, वैनगंगा नदी पर कौन सी है? संजय परियोजना। वैनगंगा के अन्य नाम है बेवा या दीदी। ठीक है, महाराष्ट्र की वर्धा नदी से इसका संगम होता है। संगम स्थल को प्रणहिता कहते हैं। वैनगंगा दक्षिण मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। याद रखिए, वैनगंगा दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली मात्र एक नदी।
है मध्य प्रदेश की। उसके बाद आती है टोंस नदी। टोंस नदी तो सतना जिले के मेहर में कैमूर पहाड़ी से उद्गम होता है और रीवा से होकर सिरसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। याद रखिए टोंस नदी कहाँ से निकलती है, सतना जिले के मेहर में कैमूर पहाड़ी से, और कहाँ मिलती है, सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी में। भीड़ व बेलन सहायक नदियाँ इसकी, बिहार पिपात भी है टोंस नदी पर। टोंस नदी प्राचीन नाम है तमसा टोन का। फिर है अगली हमारी कुआरी नदी। शिवपुरी पठार से निकलकर भिंड जिले की लहार तहसील में सिंध नदी में समा जाती है। ठीक है, तो ये शिवपुरी पठार से निकलती है भिंड जिले की लहार तहसील के सिंध नदी में समा जाती है। फिर है पार्वती नदी। सीहोर जिले से निकलकर चाचौड़ा गुना से होते हुए चंबल में मिलती है। इसके किनारे आष्टा, राजगढ़, शाजापुर नगर बसे हुए। फिर है कूनो नदी। तो शिवपुरी पठार से निकलकर चंबल तक 180 किलोमीटर है। फिर है छोटी तावा। ये बैतूल में अवना व सुक्ता नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ मध्य प्रदेश की नदियों को तथ्यों के रूप में। एक सैडी के रूप में देख लेते हैं, तालिका बनी हुई है इसमें मध्य प्रदेश की नदियों की। तो ये नदियाँ हो गई, ये उद्गम स्थल हो गए, ये अंतिम स्थल हो गए, यानी कि ये लंबाई हो गई और ये तत्व हो गए, मेन जो मुख्य तत्व है, इन्हें याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा मेकल सूता सोमादेव रेवा नामोदास टोलमी, ठीक है, ये सभी इसके नाम है, टोलमी नदी है। ठीक है, कौन से, मेकल सूता सोमोदेवी रेवा और नामोदेश। ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, निकलती कहाँ से, अमरकंठक अनूपपुर से। ठीक है, ये गिरती कहाँ है, अंतिम स्थान स्थल कहाँ है, खंबात की खाड़ी। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी कुछ कुल लंबाई कितनी है, तो 1077। इसकी दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम। सहायक नदियाँ कौन सी हैं नर्मदा की, तावा दुधी शक्कर ऊटी हथनी, 41 नदियाँ हैं याद रखना। 16 जिलों से प्रभावित होती है मध्य प्रदेश के। ठीक है, अब दूसरी है, दूसरी नदी चंबल नदी। कौन सी है, चंबल नदी, धर्मावती भी बोला जाता है इसे। ये जानापाव मऊ से निकलती है और यमुना इटावा में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। इसकी दिशा है पश्चिम से उत्तर तथा अंततः पूर्व में। सहायक नदियाँ हैं कालीसिंध, छिपरा, पार्वती। फिर है ताप्ती नदी। ये मुल्ताई बैतूल से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। 725 इसकी ऊंचाई, 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दिशा है पूर्व से पश्चिम। सहायक नदी है पूर्णा। फिर है सोन नदी। अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, गंगा से दानापुर के निकट बिहार में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। दिशा है दक्षिण से उत्तर, फिर है पूर्व में। सहायक नदियाँ हैं जोजिला, रिहंद। फिर अगली नदी है हमारी बैतवा या बैत्रावती। कुमरागांव रायसेन से निकलती है, चंबल में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। 980 किलोमीटर है इसकी लंबाई। भालकुंड जलप्रपात है इस पर, बैतवा नदी और विदिशा सांची इस पर स्थित है नगर। फिर है छिपरा। काकरावर्डी इंदौर से निकलती है, चंबल में मिलती है, उज्जैन महाकालेश्वर अवस्थित है। तावा नदी महादेव पर्वत पचमढ़ी से निकलती है, नर्मदा में मिलती है। इस पर तावा बांध होशंगाबाद में, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा है। फिर है सिंध नदी हमारी, सिरोंज गुना से निकलती है, चंबल में मिलती है। पार्वती नदी है, ये सीहोर से निकलती है, चंबल में मिलती है। कूनो नदी है, शिवपुरी से निकलती है, चंबल में मिलती है। वर्धा नदी है, वर्धन शिखर मुल्ताई से निकलती है, बैनगंगा में मिलती है। शक्कर नदी है, अमरवाड़ा छिदवाड़ा से निकलती है, नर्मदा में मिलती है। वैनगंगा है, परसावाड़ा सिवनी से निकलती है, गोदावरी में मिलती है। कुंवारी नदी है, शिवपुरी से निकलती है, सिंध में मिलती है। और गार नदी इस लिखना शिवपुरी में सिवनी में से निकलती है। ठीक है, ये पूरा चार्ट है नदियों का, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही ज़रूरी है, पूछ लेता है कई बार। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग।
मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों को देखते हैं हम लोग, तो नर्मदा नदी की बात करें, ये नदियाँ हो गई, उन पर बसे शहरों की बात करते हैं। तो नर्मदा नदी पर बसे नर्मदा नदी पर अमरकंठक नगर है, अमरकंठक। नर्मदा नदी पर ही होशंगाबाद नगर बसा हुआ है। नर्मदा नदी पर नैमाबाद, नैमावर। नर्मदा नदी पर पुनासा नगर है। नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर भी है। नर्मदा नदी के किनारे धार भी है। चंबल नदी के किनारे शिवपुर है, याद रखिए। बेतवा नदी के किनारे ओरछा है। ताप्ती नदी के किनारे मुलताई है। पार्वती नदी के किनारे शाजापुर जिला है। सिंध नदी के किनारे शिवपुरी है। काली सिंध के बागला है। छिपरा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। खान नदी के किनारे बसा हुआ है इंदौर। माही नदी के किनारे बसा हुआ है धार जिला। ठीक है, अब बात करते हैं पार्वती के नदी के किनारे, तो इसके किनारे आष्टा। माही नदी के किनारे बसा है कुच्ची। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है जबलपुर। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है नरसिंहपुर। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है हंडिया। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है ओकारेश्वर। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है बड़वानी। चंबल नदी के किनारे है महू। चंबल नदी के किनारे है मुरैना। बेतवा नदी के किनारे सांची। ताप्ती नदी बुरहानपुर। पार्वती नदी के किनारे आष्टा। टोंस के सतना। तवा नदी के तवानगर। सिवना मंदसौर। फिर बात करते हैं बैनगंगा नदी, तो बालाघाट इसके, बिछिया नदी के किनारे रीवा। नर्मदा नदी नेवाड़। नर्मदा नदी के किनारे मंडला। नर्मदा नदी के बहाड़। नर्मदा नदी के मंडलेश्वर। नर्मदा नदी के झाबुआ बसा है। चंबल नदी के किनारे रतलाम। बेतवा के किनारे विदिशा। बेतवा के किनारे गुना भी है। पार्वती नदी के किनारे है राजगढ़। सिंध नदी के किनारे दतिया। काली सिंध के सोनकच्छ। तवा नदी के पचमढ़ी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब बात करते हैं प्रमुख नदियों की प्रवाह दिशा किस दिशा में बहती है, तो प्रवाह की नदी हो गई और मिलन स्थल हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं उत्तर पूर्व में कौन कौन सी नदी बहती है। सोन नदी बेतवा गंगा और चंबल में मिलती है जी। पश्चिम में बहती है नर्मदा ताप्ती, खंबात की खाड़ी में गिरती है। याद रखिए नर्मदा और ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण की ओर बैनगंगा नदी है एकमात्र जो चंबल में मिलती है, दक्षिण की ओर बहती है। उत्तर की ओर चंबल कैन तवा यमुना चंबल नर्मदा में मिलती है क्रमशः। अब बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र देखते हैं। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश व्यक्षाकार पितिरूप है इसका। पन्ना विंध्याचल श्रेणी समांतर पितिरूप है। दक्कन टैप पहाड़ियाँ त्रिज्यात्मक पितिरूप है। रेडियल जावेरा स्तूप वलयाकार पितिरूप है। मैकाल एवं कैमूर पठार अध्यारोपित पितिरूप है। ठीक है, तो अपवाह तंत्र। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात देखते हैं किस नदी पर कौन सा जलप्रपात है। तो सबसे पहले बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात की, कौन सा धुआंधार जलप्रपात, तो ये नर्मदा नदी पर जबलपुर में है भेड़ाघाट में। ठीक है, दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अनूपपुर। मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी हंडिया बड़वाह मध्य प्रदेश में। चचाई जलप्रपात बीहड़ रीवा में, बीहड़ नदी पर रीवा में चचाई जलप्रपात। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट है। चुलिया जलप्रपात चंबल मंदसौर के पास है। राहतगढ़ जलप्रपात चंबल सागर में। झाड़ी दाहा जलप्रपात चंबल इंदौर के निकट है। भालकुंड जलप्रपात पर्वतीय नदी पर है सागर में। डचेस फाल जलप्रपात पर्वतीय
पर्वतीय नदी पर पचमढ़ी में, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है अनूपपुर में, सहस्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है मैसूर, दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर हंडिया बड़वाय के मध्य, केवटी जलप्रपात भियर नदी पर है रीवा में, पियावन जलप्रपात रीवा के निकट, पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में है चंबल नदी पर, शंकर खो जलप्रपात जामनेर में खौनी अभ्यारण्य में, बहुटी जलप्रपात भीड़ में रीवा के निकट, अप्सरा जलप्रपात पर्वतीय है नदी पर पचमढ़ी में, रजत जलप्रपात पर्वतीय पचमढ़ी में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये थी हमारी मध्य प्रदेश की नदियाँ। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग मिट्टियों के बारे में मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो हमने देख लिया मध्य प्रदेश की नदियाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका भी और नदियों का भी ले लेना, इतने में आप लोगों का हो जाएगा नदियाँ। चलिए, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मिट्टी के बारे में, मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। ठीक है।